कौन सी खड़ा होता है। मैं इसीलिए पढ़ता हूँ, जैसे आपके सामने कौनवा खड़ा हुआ, कौनो भाई हमारे थोड़ा सा पावर स्टार सुपर स्टार झटकौला से हुई पता नहीं क्या क्या जिद्दी आती भोजपुरिया राजा, पता नहीं आप लोगों ने कितना नाम दिया और कितना नाम देंगे भैया, लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं जो कुछ भी हूं आप सभी का आशीर्वाद हूं। रियल हीरो रियल सुपरस्टार सिर्फ और सिर्फ मेरा भोजपुरिया संसार है। आज बारी बारी से सब हो जाएगी। मैं जब अपने गाने का रिकॉर्डिंग कर रहा था 2020 में, लॉकडाउन लगा था, जिसमें हम एक गाना गाए पुदीना, और कोई आने जाने को भी तैयार नहीं था, लेकिन हमारा छोटा भाई ऋतिक आप सबके बीच में है, वो भी आप सबको एक गाना सुनाएगा। ऋतिक ने अनुपमा को फोन किया और बोला कि आपको आना आना है गाना गाने के लिए। अनुपमा ने पुदीना में गाना गाया और गाना का हम लोग इतना बड़ा हिट बना दिए कि हमारे इंस्टाग्राम पे आप लोग देखते होंगे उसका पोस्टर, जिसका पोस्टर मैंने डाला है अपने इंस्टा पे, जिस गाने का व्यूज है 2.5 मिलियन प्लस, 2.5 मिलियन नहीं 2.5 बिलियन प्लस। तो ये आप सबका आशीर्वाद है, और ये लड़की उस गाना में गाना गा के चार चांद लगा दिया, और आज अपने मेहनत से और आप सबके आशीर्वाद से सुपर स्टार गायिका पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। बहुत बहुत एक जोरदार अनुपमा यादव के लिए जोरदार ताली हो रहा है भैया। आप लोगों ने गायक बनाया, आप लोगों ने ही गायक बनाया, इसके लिए बोलना पड़ रहा है कि वो मेहनत का जो भैया तो अपना मर्दा पैसा कर दिया, लेकिन मर्दा उसे खाने का पहले एक लाइन कह रहा था बिना तरेड़ी के चांदना होगा, बिना सूरज के घामना होगा, प्रेमी फल ही पूरण हो जाने बाकी है भैया। प्रेम कब हो पूरण तुमको भैया बोल रही है, भैया मामा बोल रही है, तुमको भूभा बोल रही है, पापा से विलंब किया जाता है, मामा से विलंब किया जाता है, साला से विलंब किया जाता है, मतलब ज्यादा की थोड़े होता है, प्यार किसी से कर सकते तुलसीदास हमें सब नहीं बहुत मिल जाएंगे। रोज करते हैं क्या सब मुझे है पता, आप ही बोलिए क्या ये बात सही है। और के
जब भी कहानी आए डेली राव राणा